मैं हूँ फिरदोस शेख। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, वो भी मेरे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 टमाटर ले लिए हैं, ये 500 ग्राम टमाटर है। अब इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा काट कर अलग कर लें और टमाटर को इस तरीके से काटते हुए 4 टुकड़ों में काट लें। अब ये दूसरा भी ये ऊपर का हिस्सा काट के अलग कर लिया और 4 टुकड़े कर लिए। बस इसी तरीके से सारे टमाटर मैं काट लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। अब एक पैन ले लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून तेल। तेल गरम हो जाए तो ऐड करेंगे ये 15 कली लहसुन की। लहसुन इस रेसिपी का मेन पार्ट है। अब ऐड करेंगे मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इसको सॉफ्ट होने तक पकाएं। एक मिनट के बाद ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरेगानो है तो डालें वरना स्किप करें। अच्छा लाल कलर आने के लिए आप इसमें डाल सकते हो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस अब ऐड करते हैं कटे हुए टमाटर, मिक्स कर ले। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए ऐड कर दे नमक, मिला ले। दूसरा तरीका ये है कि आप टमाटर को बॉईल करके मिक्सी में क्रश कर ले और इस तरीके से पका ले। तो बस इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका ले। 5 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसकी ये स्किन निकाल लेते हैं, आप ना चाहे तो ना निकालें। वैसे भी जब हम टमाटर को क्रश करेंगे तो ये भी साथ में क्रश हो जाएगी। तो देखिए मैंने सारी स्किन निकाल ली है। अब चम्मच से ऐसे टमाटर को मैश करते जाएं। गैस ऑन ही है, लो फ्लेम पे। बस ऐसे क्रश करते जाएं चम्मच से। तो ये देखिए मैंने सारे टमाटर को ऐसे मैश कर लिया है। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शक्कर और 1/2 टीस्पून केचप, मिक्स करें और फिर से इसे लो फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पका लें ढक के। तो ये देखिए 3 मिनट के बाद सॉस तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ठंडा हो गया है, अब इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये लीजिए तैयार है हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप भी इसे घर पे ही बनाएं। अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और ये स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उसे भी क्लिक करके देख लें।